छियालीस क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे और आज हमारा क्वेश्चन जो है वो सैंतालीसवें क्वेश्चन से स्टार्ट है। ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं योटा, और इसको क्या बोलते हैं? डॉलर। और ये क्या है यहाँ पर? सिंपल है, सिंपल अल्फाबेट है ये जो है ना, ये सिंबल है। क्या है? सिंबल है। और ये क्या है यहाँ पर बताओ, ये क्या है? अल्फाबेट है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? इसमें देखो पत्तियों की संख्या कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें टोटल कितनी पत्तियां हैं? आठ। इसमें कितनी पत्तियां हैं? एक दो तीन चार, चार पत्तियां हैं। इसमें कितनी पत्तियां हैं? तीन चार पाँच छः सात, इसमें सात पत्तियां हैं। इसमें कितनी है? चार पत्तियां हैं। आप देखो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें ये आना चाहिए सी ऑप्शन, यानी सी वाला आकृति आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसमें देखो बी में क्या है? सी है ना, ये आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? विषम है, बाकी में सब में क्या है? सम। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? इसमें क्या है? सम है, सम है, इसमें विषम है, इसमें क्या है? विषम पत्तियां हैं, पत्तियों की संख्या विषम है। हाँ बिल्कुल आ सकते। क्यों आ सकते हैं? दो ऑप्शन सेम कहा है? नहीं, ये सम संख्या है, मतलब इसमें संख्या सम है ना, ये तो आ सकती है ना, इसमें विषम है। ऑप्शन सेम कहा है? ऑप्शन सेम कहा है? पत्तियां चार हैं, इसमें चार हैं, लेकिन ये कहने का मतलब क्या है? पत्तियों की संख्या सेम है ना, सम संख्या है ना, इससे मतलब है हमें। बात नहीं समझे आप? संख्या है, सम है इसमें, लेकिन इसमें क्या है? विषम है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बताओ भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 49। इसमें बताओ क्या आना चाहिए आंसर, इस क्वेश्चन के अंदर बताओ ऑप्शन क्या आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आएगा? ध्यान से आप मेरी बात समझो। आप देखना ये वाला त्रिभुज, देखना ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखना। इस त्रिभुज के अंदर देखना, ये जो छायांकित भाग है इसी के अंदर है ना, और जो ये वाला छायांकित भाग है, ये त्रिभुज किसके अंदर बताओ? ऐसे एक बार हाथ फेर लिया करो आप इस पर। बी ऑप्शन में देखना, सी ऑप्शन में देखना, ये वाला त्रिभुज देखना आप, जो त्रिभुज का हैचिंग है ना, छायांकित भाग है इसके अंदर है ना, इसी के अंदर आ रहा है ये वाला त्रिभुज। देखो दूसरा, इसके अंदर ये दूसरा छायांकित भाग आ रहा है, तो समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? इससे इसके अंदर देखना, इसके अंदर देखना, इस वाले त्रिभुज के अंदर छायांकित भाग देखना इसके अंदर आ रहा है, और इसमें देखना छायांकित भाग किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, आ रहा है ना? इसमें देखना आप छायांकित भाग, इसके अंदर कोई छायांकित भाग आ रहा है कि बताओ आप? नहीं आ रहा ना? इसके अंदर देखना, इस त्रिभुज के अंदर दोनों छायांकित भाग आ रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? इससे क्या आएगा आंसर? बी आ जाएगा ना, क्योंकि एक ही त्रिभुज के अंदर दोनों छायांकित भाग हैं, जबकि इसमें क्या है? अलग अलग त्रिभुज के अंदर अलग अलग छायांकित भाग है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आएगा? ऐसा बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप एक बार। अच्छा आप मुझे बताना, लोहा आप जानते हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो लोहे का प्रतीक Fe होता है, स्वर्ण का प्रतीक, सोने का प्रतीक Au होता है, और चांदी का प्रतीक अर्जेंटम Ag होता है, यानी इस्पात आपने देखा होगा, स्टील, स्टील जो होती है ना वो क्या है? स्टील क्या है बताओ? ये मिश्र धातु है, ये दो चीजों से मिलकर बनी है, दो धातुओं से मिलकर बनी है स्टील। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऐसा सी ऑप्शन आ जाएगा। ये तीनों क्या है? धातु है, ये क्या है? मिश्र धातु है, इसलिए इस्पात इसमें क्या जाएगा? अलग आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या आना चाहिए। 12 8 96, 15 18 120, 13 18 104, और 16 18 118 मत कर देना आवेदन, ठीक है। 16 18 कितना होता है? 128 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा डी ऑप्शन है, ठीक है, इसमें एक गलत दे रखा है, पहाड़े आपको कई बार आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या आएगा बताओ। आप देखना, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 7 का क्यूब 27 होता है क्या? 6 का क्यूब 216 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 में बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। हैमर क्या है बताओ? हैमर हथियार है ना, हैमर हथियार है, देखो हैमर थ्रो। उसके बाद गोल्फ, उसके बाद क्या है? डिस्कस थ्रो। उसके बाद क्या है? गोला फेंक। आप बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए? देखना हैमर थ्रो जो है वो क्या है, गोल्फ क्या है बताओ? ये भी एक खेल होता है, लेकिन ये सब में अलग खेल है, इसलिए इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। ये जो खेल है ना, बी डी सी ए, ये एक जैसे खेल है,
ये एक जैसे खेल है यानी इसको इक्वल खेल बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो गोल्फ होता है ये अलग तरह का खेल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। उसके बाद आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दो भाई। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसमें पहला ऑप्शन 66/66.6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान रखना। जो जंगली बिल्ली है ना, आपने देखा होगा ये क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। बाघ भी क्या है इसके अंदर, मांसाहारी। तेंदुआ भी क्या है इसके अंदर, मांसाहारी। जो लोमड़ी है ना वो भी क्या है, मांसाहारी। ध्यान रखना जो लोमड़ी होती है ना, है ना, वो क्या है, एक तरीके से किस परिवार से ताल्लुक रखती है, कुत्ते वाले परिवार से ताल्लुक रखती है, ठीक है। एक इनका फैमिली होता है उससे, ठीक है। ये जो जंगली बिल्ली है, बाघ है, ये तेंदुआ है, ये अलग परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये अलग है। इसमें लोमड़ी है ना एक वर्ग होता है, आपको साइंस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको उसको, ठीक है, उसके अंदर है ये। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ना वो डी ऑप्शन आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, इसलिए ये अलग है, ठीक है। ये चारों मांसाहारी है, क्लियर है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आना चाहिए बताओ। परखनली आपने देखे, जब हम क्या करते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं तो काम आता है, बीकर आपने देखा होगा तब भी ये काम आता है, और ड्रॉपर जो है वो क्या है, ये भी प्रयोग में ही काम आता है, और जो कंपास है ना वो क्या है, बिल्कुल इससे अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, सी आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, इसमें क्या आएगा, 50, 170, 82 और ये क्या है, 59। ये क्या है, समसंख्याएं हैं सारी ये, और डी क्या है, डी क्या है बताओ, विषम संख्या है कि नहीं बताओ ये, ठीक है। डी क्या है, विषम संख्या है। 57 का जो राइट आंसर आ जाएगा ना वो क्या जाएगा, वो डी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बताओ ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताओ कि क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जल्दी से बता दो क्या आना चाहिए, बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 में बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। पहले हम इनको जोड़ के देखते हैं, सबसे पहले तो 5 और 2 7 और 6 23 और 3 26 और 7 कितने होते हैं, 7 3 11 6 17 2 19 और 5 24 आ रहा है इसका योग, ठीक है। 6 और 3 8 9 7 16 4 20 और 5 25 आ रहा है इसका, 5 4 9 7 16 3 19 और 6 24 आ रहा है ना इसका, 6 और 3 9 और 7 16 16 4 20 और 5 25 आ रहा है, 4 5 9 7 16 और 3 19 और 6 25 5 2 7 6 13 3 16 और 7 23 आ रहा है ना, 7 3 10 6 16 2 18 5 23 7 2 9 3 12 6 18 5 23 है ना, 7 2 9 5 14 6 20 3 23 आंसर क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बताओ। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। देखो पारा धातु होती है, मैंगनीज धातु होती है, चांदी धातु होती है, क्या जाएगा, गन मेटल। ये क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में देखना आप, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर बताना समबाहु विषमबाहु और समान कोण, ये भी नहीं आएगा इसमें, क्या जाएगा, चतुर्भुज। क्या है कि एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, और सब क्या है, कोण है, और क्या है, भुजा के बारे में बता रखा है, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है, चतुर्भुज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।